तो क्या कह रहा है बेटा, ड्यू टू हैवी फ्लड्स तो थाउजेंड्स आर रेंडर्ड होमलेस। 50 स्कूल, कितने स्कूल्स हैं बेटा? 50 स्कूल्स हैं। उन्होंने प्लेस भी दिया और कैनवस भी दिया, कितने टेंट्स के लिए? 1500 टेंट्स। और शेयर एक्सपेंडिचर को भी इक्वली शेयर किया। द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट इज सिलेंड्रिकल विथ बेस। हर टेंट का ना बेस कैसा बेटा? सिलेंड्रिकल। और अपर पार्ट क्या इसका? कॉनिकल। अच्छा, जो सिलेंड्रिकल विद बेस रेडियस 2.8, सिलेंडर का रेडियस भी दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा? 2.8 मीटर, याद रखना। ठीक है बच्चों। और अपर पार्ट कॉनिकल है, बेस रेडियस तो 2.8 ही है, अपर पार्ट कुछ ऐसा है कॉनिकल। अब इस कोन की कुछ हाइट भी दे रखी है, देखो। यस सर, 3.5। हाइट 3.5। बहुत बढ़िया। क्या ये हाइट है या स्लांट हाइट है, ये ध्यान रखना। 3.5 हाइट किसकी है देखो? सिलेंडर। सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है 3.5 और कॉनिकल पार्ट की हाइट पढ़ो 2.1। वेरी गुड। यहां तक समझ आया सब बच्चों को? ये एक टेंट है, ऐसे कितने टेंट्स हैं बोलो? 15। तो क्वेश्चन का मतलब समझ आया? हम एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करेंगे। पहले हम सेकंड पार्ट करते हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट में एक ही बात पूछी गई है, क्या? स्लांट हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट। तो अगर मैं कॉनिकल पार्ट को देखूं बेटा, तो क्या एक राइट ट्रायंगल बन रही है ये, जिसकी एक साइड 2.1 है और दूसरी साइड 2.8 है, मतलब हाइट 2.1 है और रेडियस 2.8 है। तो स्लांट हाइट के लिए बेटा मैं क्या करूंगा? एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, 2.1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 4.4। यस, 441 होता है ना 21 का स्क्वायर। और ये 7.84 आ जाएगा। 84, यस। तो एल स्क्वायर कितना आएगा ऐड करके देखो? 12.25 आएगा, ऐड करो बच्चों 7.84 और 4.41 को ऐड करेंगे ना, तो कितना आएगा बेटा? 12.25। वेरी गुड। और जब मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा, 12.25 का, तो ये 3.5 आएगा। 8th क्लास में हमने स्क्वायर रूट निकालने सीखे थे। अगर तो वैसे भी किसी को 35 का स्क्वायर लर्न है, 1225 होता है उसके लिए तो आसान है। जिसको नहीं भी लर्न है, तो हमने 8th क्लास में ना ऐसे डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना सीखा था। अगर आप याद करो तो ऐसे दो दो के ग्रुप बना के, पहला स्टेप 3 3 9, याद आया? Yes, 6 पॉइंट लगाया, फिर 3 यहाँ पे ऐड करके, फिर यहाँ पे 6 कितना आएगा बोलो? 3 बचेगा यहाँ पे, 65 5 3.25 हो जाएगा। तो ये 3.5 हो जाएगा इसका। कोई इश्यू हो तो बताइए। तो 3.5 क्या आया हमारा? स्लांट हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट। एक पार्ट हमने कर लिया, कौन सा पार्ट कर लिया? सेकंड पार्ट, जिसका आंसर क्या आ रहा है? ए आ रहा है। अब हम फर्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया? इसको मैं रब कर दूं। और एक छोटी सी टेक्निक भी बताना चाहता हूँ कि जिससे आपके माइंड में ही आपको पता लग जाएगा 3.5 आएगा। वो कैसे आएगा? वो आप ओलंपियाड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बोर्ड में तो ऐसे ही करके आना है आपको, ठीक है? स्कूल लेवल पे ऐसे ही करके आना है, स्लांट हाइट ऐसे ही निकालना है। और दूसरी चीज जो मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। हमें मालूम है यार ये राइट ट्रायंगल है, हमें मालूम है ना ये राइट ट्रायंगल है, जिसकी एक साइड 2.1 है, एक साइड 2.8 है, बेस और परपेंडिकुलर कुछ इस रेशियो में। तो हमें पता है ये 21/10 है, अगर मैं इसका रेशियो दूं तो, और ये 28/10 है, रेशियो लिया तो 10 से 10 रेशियो लेने पे 3:4 आ रहा है,
अगर बेस परपेंडिकुलर का रेशियो 3:4 आ रहा है तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऑलरेडी याद है, 3, 4, 3, 4 and 5. तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा बेटा, 5 आएगा. अब 3 के कोरस्पोंडिंग वैल्यू 2.1 है, मतलब 0.7 टाइम्स. यस. 4 के कोरस्पोंडिंग वैल्यू 2.8 है, मतलब 0.75. तो 5 के कोरस्पोंडिंग 0.75 करें, 7 टाइम करेंगे तो 3.5. ये ट्रिक्स मैं जो कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे होते हैं उनको सिखाता हूँ. ये आप स्कूल लेवल पे नहीं लगा सकते, लेकिन ओलंपियाड लेवल पे जब एमसीक्यूज होते हैं तो बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा कि स्लांट हाइट क्या है. लेकिन हमने एक बार स्कूल मेथड से तो निकाल ही लिया. चलो अब हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट. तो फर्स्ट की बात करूं अगर मैं बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज टू मेक वन टेंट. ठीक है, एक टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवस यूज हुआ. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. तो बताइए बेटा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल. क्या होता है बेटा? पाई आर एल. ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर. देखिए पाई आर मैं कॉमन ले सकता हूँ कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए. तो अगर मैं दोनों में से पाई आर कॉमन ले लूं तो मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो सकता है. अंदर क्या रह गया, एल प्लस टू एच. ये ध्यान रखना, ये हाइट किसकी है? सिलेंडर की. 2 पाई आर एच में हाइट किसकी है? तो ये गलती मत कर देना कहीं कौन की लगा दो. पाई, पाई क्या बेटा, इसने कुछ बोला नहीं. 22/7. रेडियस कितना बेटा? 2.8. स्लांट हाइट अभी अभी मैंने निकाली है, कितनी निकाली है? 3.5. ट्वाइस ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर क्या था बोलो? 3.5. ट्वाइस ऑफ 3.5. अब मैं इस कैलकुलेशन को करूं तो मेरी जो कैलकुलेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, 22/7 × 2.8 × 3.5. 3.5 का डबल 7, 7 प्लस 3.5 कितना हुआ? 10.5. अब आपको पता है 7 के टेबल में आता है, 7 × 15 = 105 होता है. लेकिन ये तो 10.5 है तो किस पे कट हो जाएगा? 1.5. अब 22 × 1.5 करेंगे तो 33 आएगा. अगर क्या देखो क्योंकि 22 × 1 and 22 × 1/2 तो 33 आएगा. अब 33 को आप 2.8 से मल्टीप्लाई करो, 32.4. 33 को 2.8 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट में बाद में लगा दूंगा, तो 92.4. तो फाइनली जो इसका आंसर आया बेटा क्या आया? 92.4 मीटर स्क्वायर. तो जो हमसे उसने पूछा, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज टू मेक वन टेंट, इसका आंसर हम क्या लगा के आएंगे? 92.4. ठीक है, क्योंकि कैनवस जो है आपकी फर्श पे यूज नहीं होगी. और कोन का भी मैंने कर्व सरफेस एरिया क्यों लिया? क्योंकि छत पे ऐसे कैनवस नहीं होगी, ओपन है ना ऐसे. ठीक है, समझ गए यहाँ पर दो पार्ट. अब हमारा कौन सा पार्ट रह गया? थर्ड. आप पहले एक बात बताओ, ये टोटल एरिया आ गया एक टेंट का. अब यहाँ पे कहीं कॉस्ट दे रखी है, टेंट कॉस्ट रुपीज 120 पर मीटर स्क्वायर. तो 120 मल्टीप्लाई बाय 92.4. और ऐसे कितने टेंट है? 1500. ऐसे कितने टेंट है बोलो? 1500 टेंट है. तो इस कैलकुलेशन को करो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी करो. ये कितना आ रहा है? फिर वो मैं आंसर मार्क कर दूंगा अभी आपके आगे. 1663200. किसने बोला ये 1663200? सर आशरा. आ गए, यही आंसर है इसका, 1663200. तो कौन सा ऑप्शन है बेटा? बी ऑप्शन है. ठीक है, सबको आ गया समझ. अब हमारा एक लास्ट पार्ट रह गया है, वो क्या रह गया है? फाइंड द अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल. एक बात बताओ, टोटल कितने स्कूल्स थे जिन्होंने डिसाइड किया था? 50. और टोटल इतना कॉस्ट लगा, इस कॉस्ट को किस से डिवाइड कर दो? डिवाइडेड बाय 50. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. अब बताओ क्या आंसर आ रहा है?
मैं पता है प्रैक्टिस कर रहा था सर, ए पार्ट 3 3 2 6 4 जीरो बहुत यस बढ़िया सर, ए पार्ट 6 4 0 मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी।